वेलकम टू डेली न्यूज 24। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीरियल अपना टाइम भी आएगा से जुड़े बड़े अपडेट्स के बारे में, क्योंकि यहाँ पर रानी सा ने खेल दिया है बहुत बड़ा खेल, जहाँ पर रानी सा ने वीर को रानी से बात करने से तो रोका ही, साथ ही साथ यहाँ पर वीर और रानी के बीच काफ़ी बड़ी गलतफहमी पैदा कर दी है। यहाँ पर रानी सा ने वीर और रानी को दोनों को एक दूसरे के नाम से झूठे डिवोर्स के पेपर भिजवा दिए हैं। जी हाँ, यहाँ पर कियारा और जयसिंह दोनों रानी के घर पर उसकी और बिरजू की शादी का जोड़ा लेकर साथ ही साथ वीर की तरफ से तलाक के पेपर लेके पहुँचते हैं और रानी से बोल देते हैं कि वीर उसे तलाक देना चाहता है और ये रिश्ता ख़त्म करना चाहता है, और ये बात सुनकर रानी के होश उड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर रानी सा वीर से झूठ बोलती है कि उसने अपने बेटे के लिए यानी उसकी खुशी के लिए कियारा को रानी के पास भेजा है, ताकि यहाँ पर कियारा अपनी झूठी शादी का सच रानी को बता देगी, जिससे उन दोनों के रिश्ते की फिर से नई शुरुआत होगी। लेकिन यहाँ पर तभी कियारा वीर और रानी सा के सामने बोलती है कि वहाँ से जवाब कुछ और है, और फिर कियारा यहाँ पर रानी के झूठे साइन किए हुए डिवोर्स पेपर वीर को दे देती है, जिसे देख कर वीर पूरी तरह से हिल जाता है। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, इसलिए वो यहाँ पर रामू काका को फोन लगाता है और रानी से बात करने के लिए बोलता है। लेकिन यहाँ पर रामू काका वीर और रानी की बात नहीं कराते हैं, वो वीर का फोन काट देते हैं। वहीं इसी के बाद यहाँ पर वीर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो रानी से मिलने उसके घर पर पहुंच जाता है। लेकिन अब ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या यहाँ पर रामू काका मिलने देंगे वीर को रानी से, क्या यहाँ पर होने देंगे गलत फहमी दूर, या फिर इस गलत फहमी से हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा वीर और रानी का रिश्ता। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आगे की तमाम डिटेल्स पाने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें।